महाराष्ट्र में जातीय हिंसा के बहाने अब विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं। दलितों की राज्य में 12% आबादी है और दलितों की नाराजगी फिलहाल फडणवीस सरकार बिल्कुल भी मोल नहीं लेना चाहेगी। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दलितों का ये हंगामा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में दलितों की संख्या 1,33,00,000 है। ये महाराष्ट्र की कुल आबादी का करीब 12% है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 18 सीट पर दलितों का प्रभाव है। मुंबई की 6 सीट, मराठवाड़ा की 8 सीट, पश्चिम महाराष्ट्र की 2 और विदर्भ की 2 सीटों पर औसतन 16% दलित वोटर है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर इस घटना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी आरएसएस की फांसीवादी सोच है कि दलित हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पर ही रहें। ऊना, रोहित वेमुला और भीमा कोरेगांव की घटनाएं इसी तरह की सोच के खिलाफ आवाज है। इस तरह की चीज करके ये अपनी जो है ये कि झगड़ा करा के समाज में और वोट ले लो और राजनीतिक फायदा ले लो, ये बहुत गलत चीज है। इससे बीजेपी को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसका बड़ा नुकसान पूरे राज्य को हो सकता है। ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे बीजेपी, आरएसएस और जातिवादी जो ताकते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है और उसमें महार रेजिमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और 22 के करीब महार लोग, महार समुदाय के साथी जो शहीद हुए, तो ये जो उनका शहादत का जो स्पिरिट है, वो जो संघर्ष का स्पिरिट है, उस स्पिरिट में से सीखते हुए इस वक्त की जो पेशवाई है, जिसको नियो पेशवाई या नव पेशवाई कहेंगे, उसके सामने लड़ने की जरूरत है। मोदी जी ने जो प्रोड्यूस किया है वो कोई गुजरात मॉडल नहीं दिया है, गुजरात मॉडल के नाम पे नव पेशवाई दी है और उसको खत्म करना है। दलितों के मुद्दे पर एक तरफ विरोधी सरकार को निशाना बना रहे हैं तो सरकार में मंत्री और दलितों की राजनीति करने वाले रामदास आठवले भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी जो भी जांच होगी, अभी इसके पीछे कौन है, इसमें इसके पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके पीछे होगी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठा पहले ही उससे नाराज माने जाते हैं। ऐसे में दलित दूर हुए तो गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।